पिज्जा एटीएम। एक गांव में बंटी कहकर एक बच्चा रहता था। उनका पिता के मरने के वजह से उनकी माँ पूजा बहुत मेहनत करके उनका परवरिश करने लगी। एक दिन स्कूल के लंच ब्रेक में तिल्लू कहकर एक बच्चा पिज्जा खाने लगा। बंटी के साथ और कुछ बच्चे उसे दिलचस्पी से देखने लगे। तब बंटी, अरे तिल्लू, तुम अकेले ही खा रहे हो, हमें भी थोड़ा स्वाद करने के लिए दे सकते हो ना, कहा। तब तिल्लू, ओए माँ, ऐसे ही खाने के लिए कोई मामूली पिज्जा समझ रहे हो क्या? ये तो ग्रिल चिकन डबल चीज पिज्जा है, ये मुझे मिलना ही बहुत मुश्किल है और इसे तुम लोगों को शेयर करना है, नहीं होगा, चलिए, कहा। तब एक बच्ची, ठीक है तिल्लू, हमें मत खिलाओ, लेकिन ये कहाँ मिलता है ये तो बताओ, हम भी खरीदते हैं, बोली। तब तिल्लू, पैसे रहने से ही इसे नहीं खरीद सकते है, इस गांव में तो पिज्जा सेंटर ही नहीं है, मेरा डैडी कार में जाकर शहर में इसे खरीद कर लाए थे, ऊपर से ये बड़ा फेमस कंपनी का पिज्जा है, इस जिंदगी में आप नहीं खा सकते हैं, कहकर उनका मजाक उड़ाया। तब सारे बच्चे बहुत निराश हो गए थे। शाम को घर आकर बंटी उनका माँ पूजा से, माँ मुझे भी ग्रिल चिकन डबल चीज पिज्जा चाहिए, वो खाली शहर में ही मिलता है कहकर सुना और उसका दाम 850 रुपए है कहकर सुना, तुम्हारे पास पैसे है तो एक बार खरीदो माँ, फिर एक बार जिंदगी में उसे खरीदने के लिए नहीं पूछूंगा, कसम से, कहा। तब पूजा, तुम्हें वो पिज्जा चाहिए वही है ना, कल लंच में मैं तुम्हें वो पिज्जा बनाकर देती हूँ, ठीक है ना, बोली। तब बंटी हैरान होकर, क्या तुम घर में पिज्जा तैयार करोगी? ऐसा है तो तुम मुझे मोटा रोटी खिलाने वाली हो, ठीक है वही पिज्जा समझकर खा लूंगा, और क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो पैसे नहीं है ना, कहा। तब पूजा कुछ नहीं बोली। अगले दिन स्कूल में बंटी उनका टिफिन बॉक्स को खोला, उसमें खुशबूदार पिज्जा दिखाई दिया। उस पिज्जा का गंध सूंघकर सारे बच्चे बंटी के पास आ गए। एक बच्चा, बंटी बंटी, तुम भी शहर से पिज्जा मंगाए हो क्या? अरे कम से कम तुम तो हमें थोड़ा खिलाओ रे प्लीज, कहकर पूछा। तब बंटी, ये अरे ये तो ठीक है, सब एक टुकड़े लीजिए, कहकर दिया। तब सारे बच्चे छोटे से टुकड़े लेकर खाने लगे। तब बंटी उनको ही देखने लगा। एक बच्ची, वाओ सुपर है, मैंने शहर में ऐसे मजेदार पिज्जा कभी नहीं खाया, बोली। तब एक बच्चा, ये चीज पिज्जा तो मुंह में डालते ही पिघल गया है बंटी, सुपर है, कहा। तब बंटी को उनके बातों पर यकीन नहीं हुआ। तब बंटी भी एक टुकड़ा लेकर खाया। वो खाकर, मम्मी सुपर, कहकर चिल्लाया। तब एक बच्चा, मम्मी क्या है रे, पूछा। तब बंटी, वो वही इस पिज्जा को मम्मी इंटरनेशनल पिज्जा वाले ने तैयार किया है, कहा। घर आकर पूजा से बंटी, मम्मी तुम सच में ग्रेट हो, तुम्हारे पिज्जा के लिए मेरे सारे क्लास के बच्चे फिदा बन गए हैं, अब से तुम उस कपड़े के दुकान में काम करना छोड़ दो, हम इस गांव में ही एक पिज्जा सेंटर लगाएंगे, कहा। तब पूजा, पिज्जा सेंटर, उसका एडवांस के लिए और किराया के लिए बहुत पैसा चाहिए है ना, ऊपर से मैंने पिज्जा तैयार किया है तो लोग बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, लोगों को तो ब्रांडेड पिज्जा चाहिए, लोकल पिज्जा को नहीं खाते हैं, बोली। तब बंटी, इसलिए मम्मी मुझे एक बेहतरीन आइडिया आया है, हमारे कंपनी का नाम है MIP, बोले तो मम्मी इंटरनेशनल पिज्जा, हमें वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं, लेकिन हमारे गांव में तो केवल एक ATM जैसा रहता है, कहकर क्या करना है उसका प्लान बताया। अगले दिन बंटी क्लास में बाकी बच्चों से MIP कंपनी वाले उनके स्कूल के सामने एक पिज्जा ATM लगा रहे हैं कहकर अभियान किया, और वो लंच ब्रेक 12 बजे से लेके 1 बजे तक और शाम 5 बजे से लेके रात 9 बजे तक रहेगा कहकर कहा। कुछ दिनों के बाद उस स्कूल के सामने एक पिज्जा ATM सेंटर खुला। पूजा का तैयार किया पिज्जा को रखकर उस ATM के अंदर बंटी बैठ गया। बच्चे उस ATM के सामने खड़े हो गए। एक बच्ची उसको कौन सा पिज्जा चाहिए वो सेलेक्ट करके उस ATM में पैसे डाली। तब अंदर बंटी पैसे लिया और उधर माइक्रो ओवन में वो पिज्जा रखा। गर्म होने के बाद उस ATM से बाहर भेजा। उसे देखकर वो बच्ची बहुत खुश हो गई। ऐसे एक के बाद एक उस पिज्जा ATM में पैसे डालने लगे। बंटी पिज्जा को बाहर भेजने लगा। सारे बच्चे उन पिज्जा को खाकर उसका बहुत प्रशंसा करने लगे। ऐसे बंटी ने लाया सारे पिज्जा लंच ब्रेक में ही खत्म हो गए। ब्रेक होने के बाद बंटी ATM से बाहर आकर पैसे गिनने लगा। क्लास में बंटी से एक बच्ची, बंटी बंटी, मम्मी पिज्जा खाया है क्या? बहुत बढ़िया है, और
और दाम भी कम है, मैं तो चौंक गई थी, बोली तब बंटी। मैं अब तक नहीं खाया, लेकिन तुम्हें तो बहुत पसंद आया है ना, कहकर बहुत खुश हुआ। ऐसे पूजा घर में पिज्जा तैयार करने लगी। पिज्जा एटीएम के अंदर बैठकर बंटी उनको गरम करके बेचने लगा। शाम में बड़े लोग भी लाइन में खड़े होकर पिज्जा को खरीदने लगे। ऐसे जल्द ही पूजा और बंटी एक अच्छा सा घर बनाए और अच्छे से पैसे भी बचा कर रखे। वे सच में ही मम्मी इंटरनेशनल पिज्जा कंपनी का रजिस्टर भी करवाए थे और ऐसे ही बहुत सारे गाँव में ऑटोमेटिक पिज्जा एटीएम भी लगाए थे।